नमस्कार प्रणाम जय जिनेन्द्र। मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर 100वां वीडियो 100 वीडियो जो था उसमें मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेशल स्पेसिफिक टॉपिक लेकर उसके ऊपर वीडियो बनाओ जिससे आपकी हेल्प हो सके, आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन और मार्गदर्शन मिल सके, तो मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी। उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक मैंने चूज किए हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। एक उसमें से आज एक टॉपिक है, वो है मिरर का। काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी इसके ऊपर, तो आज हम बात करते हैं मिरर की। आने वाले 2-3 वीडियो उसी के ऊपर रहेंगे जिसमें मेरे कोई अब्रॉड से कोई फॉलोअर है, उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजा है, इंडिया के कुछ लोग हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है, तो मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा। अगर आप भी चाहते हो कि मैं कोई सब्जेक्ट के ऊपर, कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊ, तो आप अभी भी मुझे भेज सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे टॉपिक का नाम भेज सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो नहीं तो रील जो भी है मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। चलिए आज बात करते हैं मिरर की। मिरर यानी कि दर्पण। मिरर को लेकर काफी लोगों के मन में काफी सारे सवाल होते हैं, कुछ मिथ भी होते हैं, तो आज हम ये सारे चीजों के ऊपर, सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला हम कौन से टॉपिक, कौन से पॉइंट के ऊपर बात करेंगे वो बता देता हूं। सबसे पहला एलिमेंट, यानी कि मिरर कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वास्तु शास्त्र में 5 एलिमेंट होते हैं, तो उसमें से किसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, मिरर का साइज क्या होना चाहिए, कौन से साइज तक का मिरर हो तो वो नेगेटिव इफेक्ट देता है, कौन से साइज का मिरर पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तीसरा, उसका शेप कौन सा होना चाहिए। चौथा, कौन से डिरेक्शन में रखना फेवरेबल है, यानी कि डिरेक्शन, इनफैक्ट पॉजिटिव डिरेक्शन, कौन से डिरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, यानी कि नेगेटिव डिरेक्शन। और छठा, रेमेडीज, अगर कोई गलत जोन में आपने मिरर बाय मिस्टेक रख दिया है, वहां से उसको हटाना, चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो लास्ट का बात करेंगे हम रेमेडीज का पार्ट की। अभी सबसे पहले एलिमेंट, मिरर जो है, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके सामने अगर आप खड़े रहते हो और बड़ा फुल साइज का मिरर है, तो आप अपना प्रतिबिंब जैसा है वैसा हूबहू उसके अंदर आप देख सकते हो। वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वास्तुशास्त्र में 5 एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, एयर एलिमेंट एंड वुड एलिमेंट। तो ये जो 5 तत्व है उसमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है सिवाय वाटर एलिमेंट कि जिसके अंदर हम हमारा खुद का प्रतिबिंब उसके अंदर हूबहू देख सके। इसका मतलब क्या हुआ, मिरर जो है वो कौन से एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, मिरर जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वाटर एलिमेंट होने के कारण जो जो गुणधर्म, जो जो क्वालिटी वाटर एलिमेंट की है और उसके साथ में जो उसके एंटी एलिमेंट है, फ्रेंड एलिमेंट है, वो सारी चीजों की इंपैक्ट इसके ऊपर होती है। और इसीलिए मिरर को सही जगह पे लगाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, गलती से भी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया तो बहुत खराब परिणाम भुगतने पड़ते हैं, उसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। अभी जो सेकंड हमारा टॉपिक, सेकंड पॉइंट है, वो है साइज, कौन सी साइज का मिरर होना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, फुल साइज मिरर होता है, उसी में हम हमारा खुद का प्रतिबिंब अंदर पूरा का पूरा देख सकते हैं। अगर कोई छोटा सा मिरर है, कभी शेविंग के लिए मिरर यूज करते हैं, तो वो छोटे छोटे मिरर के अंदर हमारा फुल प्रतिबिंब, हमारा फुल शेडो उसके अंदर नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको साइज के रूप में समझाना चाहूं तो अप्रोक्सीमेटली 3 फीट का, जिसकी लंबाई 3 फीट हो या फिर चौड़ाई 3 फीट हो या फिर 2 फीट हो, यानी कि 3x3 या 3x2, अगर ये साइज का मिरर होगा तो ये साइज का मिरर कोई भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, उसमें आपको ज्यादा तकलीफ, ज्यादा दिक्कत, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है शेप के ऊपर। शेप के अंदर मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने साउथ वेस्ट के अंदर कोई मिरर रखा है या आप रखना चाहते हो, हालांकि रखना नहीं चाहिए लेकिन विद रेमेडीज रख सकते हो, रखना चाहते हो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो साउथ वेस्ट में अगर आपने मिरर रखना है आपको, तो वो स्क्वायर शेप का मिरर होना चाहिए। अगर
आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड में कोई मिरर रखना है तो आपको वहां का जो शेप है सर्कल शेप आप वहां पर रख सकते हो। अगर आपको नॉर्थ में रखना है स्पेसिफिकली तो आप वहां पे रेक्टेंगल शेप का मिरर भी रख सकते हो। तो कौन से तीन पॉजिटिव यानी कि फेवरेबल शेप हो गए, एक हो गया सर्कल, लेकिन जो मैंने डायरेक्शन बताया है उसको आपको ध्यान में रखना है, एक हो गया सर्कल, सर्कल के साथ में आप ओवल भी ले सकते हो कोई इश्यू नहीं है, दूसरा हो गया स्क्वायर एंड तीसरा हो गया रेक्टेंगल। ये जो मैंने चार शेप बताए हैं उसी शेप के मिरर को यूज करना है, उसके सिवा कोई भी ऐसा आड़ा टेढ़ा मिरर होगा, कोई भी ट्राइंगल शेप का मिरर होगा या और कोई भी इररेगुलर शेप का मिरर होगा तो वो मिरर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ये चीज खास ध्यान में रखनी है। अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव डिरेक्शन की, कि मिरर रखने के लिए पॉजिटिव डिरेक्शन कौन सा है। हम जब डिटेल में वास्तु को स्टडी करते हैं तो उसके हिसाब से 16 दिशाओं का मार्किंग होता है। 16 डिरेक्शन में से अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये जो डिरेक्शन है ये सारे फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव डिरेक्शन है मिरर को रखने के लिए। यहां पर रखा हुआ कोई भी साइज का मिरर, बड़ी साइज का, छोटी साइज का, कोई भी साइज का मिरर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो मिरर के लिए, खास मिरर के लिए ही एप्लीकेबल है, वो मैं रेमेडीज का जो पार्ट आएगा उसमें आपको बताऊंगा। मिरर कहां पर नहीं रखना चाहिए वो भी अभी मैं आपको बता देता हूं। तो ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट, ये जो मैंने अभी डिरेक्शन बताए ये डिरेक्शन के अंदर मिरर को बिल्कुल अवॉइड करना है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया छोटी साइज का मिरर डेफिनेटली रख सकते हो तो छोटी साइज के मिरर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े साइज का, फुल साइज का जो मिरर है, इतने डिरेक्शन के अंदर आपको फुल साइज का, बड़ी साइज का मिरर बिल्कुल भी रखना नहीं है, उसको अवॉइड करना है। उसका लॉजिक और रीजन अभी समझ लीजिए। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये सारे फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट के जोन है। फायर एलिमेंट के जोन के अंदर अगर आपने वाटर एलिमेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट रखा वो भी बड़ी साइज वाला तो क्या होगा, वो फायर एलिमेंट को डिस्टर्ब करेगा और उससे क्या होगा, आपका कैश फ्लो रुक जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, पैसा आपका फंस जाएगा और घर की फीमेल मेंबर को हेल्थ इश्यूज होना चालू हो जाएगा। तो वो यहां पर फायर एलिमेंट तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। आपको और मुझे, हम सबको पता है कि फायर और पानी का कभी बनता नहीं है। वॉटर एलिमेंट वहां पर जाने से, मिरर के वहां जाने से वॉटर एलिमेंट भी डिस्टर्ब होगा। वॉटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, पैसों का सेविंग नहीं होगा, पैसा आएगा ही नहीं, मेंटल पीस नहीं मिलेगी और हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे। तो ये जो डिरेक्शन मैंने अभी बताया वो फायर एलिमेंट वाले है, उसके अंदर फुल साइज का मिरर बिल्कुल नहीं रखना है। साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये दो अर्थ एलिमेंट है। अब ये अर्थ एलिमेंट के अंदर वॉटर एलिमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, क्यों वो भी समझ लीजिए। पानी को रोकना है तो हम क्या करते हैं, उस दीवार बना देते हैं तो पानी रुक जाता है। जैसे मैंने पहले कहा मिरर है, वॉटर एलिमेंट है, अब आपने वो अर्थ एलिमेंट के जोन में वॉटर को रख दिया तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा। तो सेम प्रॉब्लम जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई है या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई है सारी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। पैसों की प्रॉब्लम, सेविंग की प्रॉब्लम, जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया वो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ में अर्थ एलिमेंट भी डिस्टर्ब होगा। अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम होगा, बिजनेस करने की आपकी जो स्किल है वो स्किल प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे और बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा। तो ये सारे डिरेक्शन के अंदर नहीं रखना है। और बाकी बचे जो डिरेक्शन है वो है वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, तो ये चार डिरेक्शन में वापस रख सकते हैं मिरर, उसमें रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अभी बता दिया पॉजिटिव डिरेक्शन एंड मैंने आपको बता दिया नेगेटिव डिरेक्शन, दोनों पॉइंट हमारे इसके अंदर कवर हो गए, कहां पर नहीं रखना चाहिए और कहां पर रखना चाहिए। अब बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज मतलब
अगर कोई ऐसी जगह पे जो जोन मैंने अभी आपको बताया वो जोन के अंदर आपका मिरर आ रहा है तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने साउथ ईस्ट जोन के अंदर फुल साइज का मिरर रख दिया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, शिफ्ट नहीं कर सकते हो, पहला तो वही करना है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, ये जो साउथ ईस्ट जोन के अंदर आपने जो मिरर लगाया हुआ है, मान लीजिए ये आपने मिरर यहां पर बड़ी साइज का लगाया है, तो उसके आजू बाजू में आपको रेड कलर की टेप लगा देनी है। मिरर के आजू बाजू में भी लगा सकते हो और मिरर के ऊपर भी लगा सकते हो। अभी मिरर के ऊपर लगाने में थोड़ा और दिखे, प्रॉपर नहीं दिखे, मैं समझ सकता हूं। तो एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, जहां पर मिरर रखा है उसके आजू बाजू में ये रेड कलर की टेप से उसको कवर कर सकते हैं, तो मैं मिरर की नेगेटिव एनर्जी जो साउथ ईस्ट को डिस्टर्ब कर रही है वो वहां की वहां ब्लॉक हो जाएगी। उसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर आपका मिरर फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट के अंदर है, तो वहां पर क्या करना है, मान लीजिए ये साउथ वेस्ट का फुल साइज का मिरर है। अब साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का येलो कलर है, तो आपको क्या करना है, आपका जो फुल साइज का मिरर है उसके आजू बाजू में आपको येलो टेप से वो मिरर को कवर कर देना है, ताकि क्या होगा, उसकी नेगेटिव एनर्जी वहां पर ही ब्लॉक हो जाएगी और वो जो नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहा है वो नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देगा। और तीसरा एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बीच में कहा था वीडियो के अंदर कि मैं लास्ट में रेमेडीज के पार्ट में बताऊंगा, वो ये है, मिरर का यूज कुछ लोग कट होती है जो घर के अंदर जो जोन कटा हुआ है उसको एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये कभी भी एक प्रॉपर अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की एडवाइस के बिना मत कीजिएगा। एक क्लाइंट के घर पे मैंने विजिट किया था, वहां पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट मैंने उस चीज का देखा था, कैसे वो आपको समझाता हूं और आप वो गलती ना करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने क्या किया था, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर 10x5 का यानी कि लगभग 50 फीट का इतना बड़ा सा मिरर उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रख दिया था। अब आप कहोगे कि सुरेश भाई आपने तो पहले ही बता दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर हो क्या रहा था, जो इतना बड़ा उन्होंने मिरर रखा था वो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा था। और रिफ्लेक्शन किस चीज का आ रहा था, उनका नॉर्थ का डायरेक्शन ये था और उनका ब्रह्मस्थान यहां पर था, और ब्रह्मस्थान में बहुत हैवी पिलर था और बहुत एक जाड़ी बड़ी वाली वॉल थी। अब क्या हुआ, यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर रखने से क्या हुआ, ये जो ब्रह्मस्थान की पिलर और ब्रह्मस्थान की वॉल है उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन नॉर्थ में चला गया। इससे हुआ क्या, जो नॉर्थ डायरेक्शन वजन के अंदर सबसे हल्का होना चाहिए, सबसे खाली होना चाहिए, कोई उधर वेट क्रिएट नहीं होना चाहिए, आप समझ सकते हो, इसके प्रतिबिंब की वजह से नॉर्थ में क्या होगा, बहुत बड़ा एक वॉल खड़ा हो गया, एक पिलर खड़ा हो गया और नॉर्थ डायरेक्शन पूरा ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, पैसों का प्रॉब्लम हुआ, सेविंग नहीं हो पाया, जितने हो सके उतने उनके खर्चे बढ़ गए और घर के अंदर क्योंकि डायरेक्शन बड़ा था हेल्थ इश्यूज भी चालू हो गए। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है। इनडायरेक्टली अगर कोई उसका नेगेटिव चीज का प्रतिबिंब अगर मिरर के अंदर आ रहा है तो वो मिरर को क्या करना है, ऐसे केस में क्या करना है, मान लो आपके घर में साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, मतलब जो जोन में नहीं लगाना है वहां पर मिरर है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर वो फायर का जोन है तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, रेड कलर का कर्टेन लगा सकते हो। अगर वो अर्थ एलिमेंट के जोन में आपने रखा है तो आप क्या कर सकते हो, उस बड़े मिरर के ऊपर आप येलो कलर का कर्टेन लगा सकते हो। जब यूज करना है सिर्फ उतने ही टाइम के लिए मिरर कर्टेन खुलेगा, मिरर का यूज करने के बाद कर्टेन बंद हो जाएगा। और ये क्लाइंट को मैंने क्या कहा, अभी उनका तो ऑलरेडी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर था, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ में था ऑलरेडी, वाटर एलिमेंट तो वहां पर था। अब मैं वाटर एलिमेंट का कलर ब्लू है, अब मैं उनको अगर उधर ब्लू कलर का कर्टेन लगाने के लिए सजेस्ट करता तो क्या होता, वाटर एलिमेंट बहुत बढ़ जाता। कोई भी एलिमेंट ना तो ज्यादा बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो मैंने उनको क्या कहा कि आप वो मिरर के ऊपर व्हाइट कलर का कर्टेन लगा दीजिए ताकि उसकी नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाए। और जो 24 आवर्स अभी मिरर खुला है तो क्या है, 24 आवर्स ये वॉल का प्रतिबिंब इसके अंदर आ रहा है, लेकिन जब कर्टेन से ढक जाएगा तो क्या होगा, 5-10 मिनट के लिए जब वो कर्टेन खुलेगा उतना ही रिफ्लेक्शन उतने टाइम तक रहेगा, बाकी वो कवर हो जाएगा। और ये करने के बाद उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उनका मुझे अच्छा फीडबैक भी मिला। तो आप भी इसी तरीके से अगर नेगेटिव जोन में लगाया है मिरर तो उसकी रेमेडीज कर सकते हो, नहीं तो सही जोन में मिरर लगा के मिरर का बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो।
चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।